मैथिल समन्वय समिति एक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है जो कई वर्षों से सामाजिक स्तर पर बढ़ चढ़ कर अनेकों तरीके से कार्यक्रम आयोजित करती आ रही है और एक बार फिर से मैथिल समन्वय समिति बिहार में बहुत बड़ा मेला आयोजित करने जा रही है। बिहार में सबसे बड़ा मिथिला रोजगार मेला 2023 लगने जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दहेज समस्या समाज के सामने गंभीर चुनौती बनी हुई है। इन चुनौतियों से निजात पाने के लिए मैथिल समन्वय समिति की ओर से 3 सफल और ऐतिहासिक वर वधु परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन के फलस्वरूप सैकड़ों की संख्या में दहेज मुक्त वैवाहिक कार्य संपन्न हुए। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार में दहेज उन्मूलन कानून बनाने की घोषणा की, जिसे बिहार में सख्ती से लागू किया गया। मैथिल समन्वय समिति द्वारा अपने संस्थापक संयोजक दिवंगत धीरज चंद्र झांझी के मधुर स्मृति में 10वीं और 12वीं कक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का कार्य करती आ रही है। आयोजन के माध्यम से छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भविष्य की सुखद प्रेरणा देने के लिए शिक्षाविदों को सम्मान आमंत्रित किया गया। अनेकों सफल कार्यक्रम करने के उपरांत मैथिल समन्वय समिति आने वाले समय में मिथिला रोजगार मेला का ऐतिहासिक आयोजन करने जा रही है, जिसमें लगभग 200 नामचीन कंपनियों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस आयोजन के माध्यम से मिथिला क्षेत्र के लगभग 10,000 छात्र छात्राओं और अन्य क्षेत्रों में नौकरी प्राप्ति के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा अवसर उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। मैथिल समन्वय समिति आशान्वित है कि मिथिला रोजगार मेला समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैथिल समन्वय समिति मुंबई बेस्ड एक संपूर्णतः एक गैर राजनैतिक संस्था है, जिसका मूल उद्देश्य मैथिलों की जो बर्निंग प्रॉब्लम्स है, डे टू डे प्रॉब्लम्स है, उनको हम लोग एड्रेस करते हैं। इसी तहत हम लोग ने सबसे पहले 2016 से 4 ऑलरेडी हम लोग वर वधु परिचय सम्मेलन आयोजित कर चुके हैं, जिसका मूल उद्देश्य था जो दहेज से जो दहेज जो एक मूल समस्या है मैथिलों का, उससे एक निवारण हो, मैच मेकिंग में मैथिलों को सुविधा हो। इसके लिए हम लोगों ने मुंबई, दिल्ली, मिथिला की हृदय स्थली मधुबनी, ऐसे हम लोगों ने प्रोग्राम आयोजित किया था और इसका बहुत अधिक फायदा लोगों को मिला भी था। हम लोगों ने अपने भूतपूर्व संयोजक स्वर्गीय धीरज चंद्र झा की पुण्य स्मृति में धीरज प्रतिभा सम्मान का भी हम लोग सफलतापूर्वक आयोजित कर किया और पिछले 6 में 6 हम लोगों ने सफलतापूर्वक धीरज प्रतिभा सम्मान आयोजित किया। पिछले कोविड के पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने मुंबई में आमंत्रित करके उनको मैथिलों की मूलभूत समस्याओं से अवगत कराया। कोविड के ठीक पहले हम लोग मैथिल एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोशन के लिए मैथिल बिजनेस कॉन्क्लेव हम लोगों ने मुंबई में आयोजित किया था, जिसका मैथिल एंटरप्रेन्योर्स को बहुत अधिक इसका फायदा भी हुआ। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों को एक प्रस्ताव आया था, जो अधिकतर प्रोग्राम मैथिल समन्वय समिति का हम लोग मुंबई में करते हैं, क्यों ना हम लोग इस बार का प्रोग्राम मिथिला की हृदय स्थली दरभंगा में करें। और इसका जो सब लोगों ने विचार किया, जो बेरोजगारी एक मुख्य समस्या है मिथिला का, तो क्यों ना इसको इस बार एड्रेस किया जाए। इसी क्रम में हम लोग तकरीबन 200 से अधिक कंपनीज को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं और इसका आयोजन 30 अप्रैल इस वर्ष 30 अप्रैल को हम लोग डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में हम लोग कर रहे हैं। और 200 से अधिक कंपनीज का ने आश्वासन दिया है जो आएंगे, और
इस आयोजन से हमें लगता है जो करीबन 10,000 से अधिक छात्र और छात्राओं को इसका फ़ायदा मिलेगा, और साथ ही जो इंडस्ट्रीज आएगी, 200 से अधिक जो इंडस्ट्रीज रिक्रूटमेंट ड्राइव में जो शामिल होगी, उनसे हम लोग यह भी निवेदन करेंगे जो मिथिला का जो क्षेत्र है वो यहाँ पे काफ़ी, यहाँ पे सिर्फ जमीन ही फर्टाइल नहीं है बल्कि यहाँ का मस्तिष्क भी बहुत ही फर्टाइल है। यहाँ पे आपको सफल और स्किल्ड मैन पावर भी आपको मिलेंगे, तो क्यों ना आप यहाँ पे आप लोग भी एक इंडस्ट्रीज आप लगाएंगे। और हमें उम्मीद है कि इस आयोजन से जो भी कंपनीज यहाँ पे आएंगी, बहुत से लोगों को एक, हम लोग भी उनको भी रोड मैप देंगे और उन्हें भी हम लोग प्रोत्साहित करेंगे जो मिथिला में वो रोजगार, मिथिला में उद्योग लगाएं और यहाँ के छात्र और छात्राओं को, यहाँ के युवकों को रोजगार मिले। इसी क्रम में हम लोगों ने आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है और हम आपसे उम्मीद करते हैं यह संदेश पूरे मिथिला में, पूरे बिहार में इसको फैलाएं, जिससे अधिक से अधिक युवाओं को इसका फ़ायदा मिले। और अगर यह आयोजन सफल रहा, और उम्मीद है सफल रहेगा, तो हम लोग हर साल एक एनुअल प्रोग्राम की तरह हर साल हम लोग मैथिली समन्वय समिति के बैनर के अंतर्गत हम लोग रोजगार सम्मेलन हम लगाएंगे, जिससे हर साल हजारों छात्र छात्राओं को फ़ायदा मिले। हम चाहते हैं यह संदेश आप सबको पहुंचाएं और जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा मिले। मैं संदीप झा हूं, मैं डॉक्टर संदीप झा, मैं चेयरमैन संदीप यूनिवर्सिटी सिजौल का हूं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या मांग? प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी मीडिया कर्मी को मैथिल समन्वय समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन। परम आदरणीय संरक्षक हमारे MSS मैथिल समन्वय समिति के संरक्षक श्री डॉक्टर श्री संदीप झाजी और हमारे गार्जियन प्रोफेसर जयशंकर झाजी, ये सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पे उपलब्ध हुए हैं। उद्देश्य यही था जो हम लोग पिछले 6 साल से मैथिल समन्वय समिति वर वधु परिचय सम्मेलन, धीरज प्रतिभा सम्मान, जो बच्चे 12वीं और 10वीं कक्षा में अच्छा नंबर लाते हैं, हर स्टेट वाले लोग अपने अपने मुंबई और दिल्ली कलकत्ता में अपनी प्रतिभाशील बच्चे को सम्मान करते हुए उनकी हौसला को बढ़ाते, लेकिन मैथिल लोगों का ऐसा कोई संस्था नहीं था जिसको हम लोग ने एक दिया जो बच्चे को प्रोत्साहन मिले। ये सब करते हुए हम लोग सिटी फोर्ट दिल्ली तक में प्रोग्राम किए वर वधु परिचय सम्मेलन, तो हम लोगों ने विचार किए, मधुबनी में भी वर वधु परिचय सम्मेलन हुआ 2017 में, लेकिन हम लोगों का विचार हुआ जो मिथिला का हृदय स्थली दरभंगा है, इसमें क्यों नहीं एक रोजगार मेला का आयोजन किया जाए। रोजगार मेला इसलिए करने की हमारे संरक्षक महोदय का उद्देश्य था और हम लोगों ने पिछले, आज आपके पास PC में आए हैं, लेकिन हम लोग पिछले 7 महीने से इस पर वर्क कर रहे हैं। सबसे पहली बात क्या है, जो कोई बोलता है इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, सबसे पहले नॉन पॉलिटिकल है, और नॉन पॉलिटिकल रहते हुए आप बोले जो कि इसका फॉर्म का कैसे आप कैसे उपलब्ध कराएंगे। आप बार कोड देख रहे हैं, वो बार कोड पे कोई भी बच्चा अगर उस पर जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका ऐप खुल जाएगा। आपको 10 रुपया या 1 रुपया का भी कहीं शुल्क नहीं लगने वाला है। आप सिर्फ वहाँ पे एप्लीकेशन करेंगे, हम उसको कलेक्ट करेंगे, और 230 कंपनी अभी तक रजिस्टर्ड हो चुका है। 1994 बच्चे अभी तक हमारे पास में फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन जहाँ पे होगा, इसलिए आप लोगों को बुलाने के कारण 37 मीडिया कर्मी यहाँ पे लगभग उपलब्ध हैं। अगर आप लोगों ने इसमें निःशुल्क सेवा में हम लोगों को मदद करेंगे तो हम लोग 10,000 बच्चे तक यहाँ पे अभिभावक को पहुँचाने की काम करेंगे। नागेंद्र झा स्टेडियम में 30 अप्रैल को होना है, सुबह 11 बजे से टाइमिंग है उनका, और टाइमिंग नागेंद्र झा स्टेडियम में है, और वहाँ पे ऐसी व्यवस्था है जो हम लोगों ने सुबह से शाम तक का इसका व्यवस्था किया हो, क्योंकि सबका इंटरव्यू होगा। लेकिन ये बात पहले ही आप लोगों के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, उसके नीचे लिखा हुआ है जो बच्चा सिलेक्शन होंगे, ये नहीं है कि जो खाली पढ़े लिखे ही आए, ये नहीं है फलाने जाति या फलाने जाति क्या है, इसमें कोई नहीं, MSS सबके लिए, मित्र मैथिल समन्वय समिति सभी जाति सारी धर्म को सम्मान करता है। आप आए, जो सिलेक्शन होंगे उनको उनका अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, उनका अपॉइंटमेंट उनको मैसेज चला जाएगा, जो नहीं हुए
उसके लिए ये कोई बंधन कारक हम लोगों को बांधने की वो जरूरत नहीं है, जो हम लोग प्रतिबंधित हो गए ऐसा नहीं है। उनको फिर अगले साल वो पोर्टल पे हम लोग रखेंगे और जो जिसकी एक साल के अंदर में कहीं नौकरी मिल गई, कहीं सिलेक्शन हो गया, तो अपने आप उससे हट जाएगा, नहीं तो कंटिन्यू रहेगा। और हम लोग हर साल प्रयास करेंगे यहाँ रोजगार मेला हो। और रोजगार मेला बोले आपने कहाँ से होगा कंपनियाँ, सबसे पहले बिहार में कंपनियाँ कम है तो यहाँ से कहाँ से उपलब्ध होगा। तो हम जितने भी हैं 2-3 यहाँ तक 4 कंपनी तक जो अच्छे कंपनी हैं उनको सिलेक्शन करके वो आने की आमंत्रण स्वीकार कर लिए हैं। बाकी 219 कंपनी हम लोगों के पास में, खास करके मुंबई में पेटल 190 हैं और 19 कंपनियां और दूसरे स्टेट से हैं। 230 का लगभग आने की बात हुई है, जिसकी मैथिल समन्वय समिति सभी चीज़ों का खर्चा मैथिल समन्वय समिति करेगा। बहुत सारा सहयोगी लोग हैं। जो आपको बता दूं मैथिल समन्वय समिति है क्या, मैथिल समन्वय समिति एक उद्योग जगत के जैसे हमारे माननीय डॉक्टर संदीप झा जी जैसे लोग हैं जिसकी संरक्षक इतनी महान हो, तो उसमें हम लोग जितने भी जैसे ललित जी सचिव हैं, सीए हैं, कोषाध्यक्ष जी जय माधव जी हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योग जगत से लोग, पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल हैं। हम लोगों ने एक विचार विमर्श करके ये मैथिल समन्वय समिति बनाया, जो कि क्यों नहीं हम लोग कोई भी आदमी अनुदान देते हैं तो मैथिल समन्वय समिति में कुछ अपना योगदान दे करके अपनी मिथिला की परंपरा को, मिथिला की रोजगार को, मिथिला की वनबंधु की समस्या को उठा करके हम लोग इससे निजात पाए। गारंटी नहीं है कि हम लोग सबको शिक्षित और सबको जॉब दे देंगे, सबको निःशुल्क शादी करवा देंगे, विवाह करवा देंगे, ऐसी कुछ नहीं। प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। हम लोग इस पटल पर काम कर रहे हैं और आपके सामने उपस्थित हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम कमल राम विनोद झा है, कमल सेठ के नाम से मुझे जाना जाता है। सर, ये 200 इंडस्ट्रीज में किस तरह कैटेगरी के कंपनियां रहेंगे? जैसे सबसे पहले बता देता हूँ, जो कोई सरकारी वाला तो हमारे पास आएगा नहीं। रही बात जैसे डीसीबी बैंक है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, कुछ केमिकल फैक्ट्रियां है, संदीप यूनिवर्सिटी को खुद में रिक्वायरमेंट हम उनको भी, जबकि वो चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं लेकिन उनको भी आवेदन दिए हैं, जो आप भी अपने लीजिए। ऐसे ऐसी कंपनियां, ट्रांसपोर्टेशन ऐसा है। लेकिन एक बात बता देता हूं, ऐसा भी नहीं है जो पढ़े लिखे ही लोग आवेदन आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई 10वीं पास है, 12वीं पास है, कोई ग्रेजुएट किया है, कोई इंजीनियरिंग पूरा करके लिया है कंप्लीट, जो अनपढ़ हैं उसके लिए भी हमारे पास रोजगार है, उसके लिए भी हम रोजगार देंगे। उसके लिए सबका स्किल अलग अलग डिपार्टमेंट में रोजगार मेला में बांटा हुआ है। जो मजदूरी करना चाहता है मजदूरी का भी नौकरी हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, जो कोई अच्छे काम करने वाला अच्छे भी करवाएंगे, जो बहुत पढ़े लिखे उनके लिए भी सम्मानजनक नौकरी दिलाने का काम करेंगे। तो मिथिला क्षेत्र में उपलब्ध है नौकरी या बिहार से बाहर जाना है? मिथिला क्षेत्र में आपको पहले बोला, अगर 3-4 कंपनी मिथिला से या बिहार से आएंगे तो आपको 4 कंपनी में अगर 50 सीट होगा तो 50 सीटों लेंगे। हाँ, वातावरण है, एनवायरनमेंट है। हाँ, हो सकता है ना। अभी इसके बारे में हम तो पहले बोले, ये मैथिल समन्वय समिति अपना काम कर रही है, कोई पॉलिटिकल स्टैंड है नहीं जो मैं इसके बारे में। नहीं तो सर, आप अपने बैनर के तले क्या यहाँ पे इंडस्ट्रियल का भी कोई बोले ना, हमारे संरक्षक महोदय बोले ना, जो हम इसको पहले करेंगे उसके बाद जो हमारे मैथिल समन्वय समिति में लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग उद्योगपति जुड़े हैं, वो हम लोग मिल करके जैसे लाए ना हम उद्योग, कैसे नहीं लाए। आज संदीप यूनिवर्सिटी मधुबनी सिजौल में 700 लोग आपको इन्होंने जॉब पे रखा है, ऐसे लाए हैं, पहले आए हैं, वैसे हम लाए हैं अभी 250 आदमी का बेनीपुर नाइट सुनकी के आगे। ऐसे हम लोग व्यापार लाने की काम करेंगे, पहले हम लोगों को यहाँ पे बेस तैयार करना है, हमारा बच्चे को, प्रतिभाशील बच्चे को ले जाना है, उसको ट्रेन करके फिर हमको यहाँ लाना है, आना पड़ेगा। तो वहां पर सबसे बड़ा दिक्कत है कि यहाँ के जो बच्चे जाते हैं उनका कोई रेफरेंस नहीं रहता है, तो हम मैथिल समन्वय समिति ने अपनी रेफरेंस के तहत उनको वहां पर रखवाएंगे। और स्टार्टिंग में कुछ तकलीफें भी आएगी तो उसको दूर करने की बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों को मिथिला से अगर मुंबई जाएंगे तो हमारी वहां पे आंगन है, हमारे परिवार है, तो वहां पे सम्मान हम लोगों का करना हमारा काम है। लेकिन उसके साथ में भी जो जाए वो कहीं दाग ना लगाए, ये भी बात को ख्याल रखना होगा।